a new app, which is Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. Okay, तो इस app के दो parts हैं, right? So, first of all, adoption, जो up to section 17 है, right? Then maintenance हमारा start होता है section 18 से, right? In this lecture, we are going to talk about adoption. राइट तो अडॉप्शन का फर्स्ट लेक्चर है. सो बेसिकली मैं आपको इस लेक्चर में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी अडॉप्शन का. अगर आप प्रैक्टिकल वे में समझें तो सारी चीजें बहुत वही सारी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं. कुछ भी आपको लॉ में जाने की जरूरत नहीं है. ऑल्दो मैं आपको बताऊंगी बेराग भी, बट अगर आप अपने आसपास की चीजें देखें तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो. राइट तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अडॉप्शन, अडॉप्शन होता क्या है और करते क्यों है, पर्पस क्या रहता है, वो जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो पर्पस क्या रहता है, हिंदू एक्ट है, राइट? हिंदूज पे एप्लीकेबल है. तो हिंदूज की बहुत सारी शास्त्रिक सेरेमनीज होती है, राइट? बहुत सारी उनकी जो धर्म की बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है जिसकी वजह से अडॉप्शन जरूरी हो जाता है. तो क्या कारण होता है हिंदूज का कि वो अडॉप्ट करते हैं किसी सन को? मोस्टली देखा जाता है सन को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, राइट? हर फैमिली चाहती है उसमें एक सन हो. तो इसका पर्पस क्या होता है अडॉप्शन का? बता सकते हैं व्हाट इज अडॉप्शन और पर्पस क्या होता है? टू अटेन मोक्ष, जो आफ्टर डेथ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए दे नीड अ सन. यस, ठीक है. वो सोचते हैं उनको मुक्ति या मोक्ष तभी मिलेगा जब उनके जो सेरेमनीज होते हैं वो सन करे उनका, राइट? तो ये पर्पस होता है स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए. और एक और चीज, हेयर्स पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी अगर कोई सन नहीं होगा फैमिली में, तो है ना, ये भी सोचा जाता है अगर कोई बच्चा नहीं होगा फैमिली में तो हमारी पीढ़ी यहीं खत्म हो जाएगी, हमें आगे कोई नहीं पूछेगा. तो हेयर्स के लिए, राइट, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए. तो ये सारा ऑब्जेक्ट हो जाता है. राइट, तो ये तो ऑब्जेक्ट है. बट हम इसमें सिर्फ सन की बात नहीं करने वाले, डॉटर को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है? जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है, ज्यादा मोटिव रहता है, फोकस रहता है, वो सन की अडॉप्शन पे रहता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए. सन हमारा अंतिम संस्कार वगैरह जैसी सेरेमनीज करें और हमारे हेयर्स, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि अगर डॉटर को अडॉप्ट करेंगे तो डॉटर तो दूसरे परिवार में चली जाएगी, वो उनकी पीढ़ी आगे बढ़ाएगी. पर अगर सन होगा तो सन हमारी फैमिली को आगे ग्रो करेगी, राइट? तो ये ऑब्जेक्ट रहता है, ये पर्पस था कि हिंदू अडॉप्शन का, राइट? अगर हम आगे चले, हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो क्या कोई बता सकता है मुस्लिम लॉ में क्या कोई अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है? नो मैम, देयर इज एक्नॉलेजमेंट, राइट? तो जो हिंदू लॉ है यहाँ पे अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मुस्लिम लॉ है, कई बार कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट? ऑल्दो इसके बाद हम मुस्लिम लॉ भी स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको लेक्चर्स में कोई भी कंपैरिजन है तो वो भी बताती रहूं. तो मुस्लिम लॉ में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ अडॉप्शन, लेकिन एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट उधर है. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, किसको एक्नॉलेज करते हैं वो बता सकते हो आप मुझे? पैटर्निटी, ठीक है, किससे रिलेटेड? इलेजिटिमेट चाइल्ड? नो, लेजिटिमेट चाइल्ड, यस. कैसे? कैसे लेजिटिमेट चाइल्ड तो उनका है ही, वो अक्नॉलेज किसको करेंगी? वो एक्नॉलेज किसको करेंगे? ऑल्दो वो अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड को एक्नॉलेज कर सकते हैं, बट अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं है, ठीक है? तो ये इसमें डिफरेंस रहता है, राइट?
ओके और अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ऑफ द इलेजिटिमेट चाइल्ड. इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसको आप अपना नाम दे सकते हो, बट अडॉप्शन का वहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, आगे चले तो देखिए, अगर किसी का चाइल्ड ऑलरेडी है, अगर किसी का चाइल्ड ऑलरेडी है तो क्या वो अडॉप्ट कर सकते हैं किसी चाइल्ड को? फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी ये कपल है और इनका सन है, तो ये क्या सन को अडॉप्ट कर सकते हैं या किसी चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं? यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. तो ये क्या किसी सन को अडॉप्ट कर सकते हैं? यस, हर्षना इज करेक्ट, ये सन को अडॉप्ट नहीं कर सकते. तो क्या ये किसी अदर चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं? यस, दे कैन अडॉप्ट अ गर्ल. क्यों? क्योंकि इनके पास सन तो है, तो जिनके पास ऑलरेडी सन है तो वो एक सन अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक लेजिटिमेट इनका सन है. देखिए, अब मैं इसमें कनेक्ट करना चाहूंगी हिंदू मैरिज एक्ट के सिक्सटीन को. ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन नंबर 16 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है चाइल्ड को. तो कई बार जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं वो उनको डीम कर लेते हैं लेजिटिमेट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? लेकिन कब वो डीम करते हैं? कब वो डीम करते हैं? चाहे मैरिज वॉइड हो, ठीक है, या वॉइडेबल हो. ये दो तरीके की मैरिजेस हमने पढ़ी थी ना, पर कई बार इन अगर इन मैरिजेस में अंडर सेक्शन 7 में जो सेरेमनीज की बात की गई है, अगर वो फुलफिल हो गई, वो परफॉर्म हो गई, तो हम मान लेंगे कि वो बच्चा लेजिटिमेट है, राइट? वो बच्चा लेजिटिमेट है. लेकिन अगर किसी की सेरेमनीज भी नहीं हुई, सेरेमनीज भी नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सपिंडा या प्रोहिबिटेड मैरिजेस के अंदर शादी करी थी, शादी तो पहले ही वॉइड है, लेकिन उनकी सेरेमनीज एटलीस्ट हुई तो उनके बच्चे को हम लेजिटिमेट जो है उसका स्टेटस दे देंगे अंडर सेक्शन 16 उस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए. लेकिन उनकी सेरेमनीज तक नहीं हुई है तो उनका बच्चा क्या रहेगा? इलेजिटिमेट ही रहेगा, है ना? इलेजिटिमेट ही रहेगा, राइट? तो अब ये बताइए कि लेजिटिमेट सन या इलेजिटिमेट सन का कोई फर्क पड़ता है? इनका ऑलरेडी जो सन है वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर इनका लेजिटिमेट सन था तब तो ये अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, है ना? जैसे इन दोनों का ये सन था, ये लेजिटिमेट. अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड है और अंडर सेक्शन 16 भी उसे इलेजिटिमेट ही बोला जा रहा है, राइट? लेजिटिमेट करके उसको सेव भी नहीं किया जा रहा, डीम लेजिटिमेट भी नहीं है, तो क्या ये अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, तो यही बात करता है सेक्शन 16 का इफेक्ट. देखिए, ये कह रहा है अगर सेक्शन 16 के हिसाब से कोई चाइल्ड लेजिटिमेट है, अगर वो ऑलरेडी लेजिटिमेट है, वैलिड हुई है मैरिज, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट अडॉप्ट अनदर चाइल्ड. बट अगर वो इलेजिटिमेट भी था, सेक्शन 16 ने उसे डीम कर दिया लेजिटिमेट, राइट, तो भी वो चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते. बट जो इलेजिटिमेट ही था चाइल्ड, इलेजिटिमेट कब होगा? ना तो इनकी सेरेमनीज हुई, सेरेमनीज नहीं हुई, वॉइड शादी थी पहले, तो वो कभी हस्बैंड वाइफ थे ही नहीं, ना ही उनके बच्चे को प्रोटेक्ट किया, तो फिर उस केस में अडॉप्शन हो सकता है. ठीक है, उस केस में अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है. तो इस इफेक्ट को भी याद रखना, इफेक्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 16 को आप याद रखना कि इसके अंदर जो चाइल्ड लेजिटिमेट है, चाहे वो ऑलरेडी लेजिटिमेट है, चाहे वो डीम्ड लेजिटिमेट है, तो इन दोनों कैटेगरीज में अगर है तो अडॉप्शन नहीं हो सकता. ठीक है, अडॉप्शन नहीं हो सकता क्योंकि लेजिटिमेट है तो ऑलरेडी है, और डीम्ड लेजिटिमेट भी है तो भी अब वो लेजिटिमेट हो गया, तो अब अडॉप्शन नहीं हो सकता, राइट? इतनी सी बात क्लियर है? अब देखिए, अगर
अभी मैं बेयर एक्ट में नहीं जा रही हूँ, सिंपली मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोविजन समझा रही हूँ. देखिए अभी तो मैंने अगर सन की बात करी, ठीक है, लेकिन ये कोई पोर्शन है, इसके सन है, तो इन तीनों में से अगर कोई भी अलाइव है, इन तीनों में से अगर कोई भी अलाइव है तो ये पी जो है ये सन अडॉप्ट नहीं कर सकती. ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है. तो ये सन अडॉप्ट नहीं कर सकते, ये वाला पॉइंट क्लियर है. देखिए एक स्टूडेंट ने डाउट पोस्ट किया, इसमें मैं रिपीट करती हूँ इस बात को. देखिए अंडर सेक्शन 16 हमने पढ़ा था कि कुछ चाइल्ड होते हैं लेजिटिमेट, कुछ होते हैं इलेजिटिमेट. अब कुछ इलेजिटिमेट में से कुछ कुछ के पेरेंट्स की अंडर सेक्शन 7 जो है सेरेमनीज एटलीस्ट हुई होती हैं, तो उन चाइल्ड को हम डीम कर लेंगे लेजिटिमेट. लेकिन जो दूसरे रह गए जिनके पेरेंट्स की अभी तक शादी भी नहीं हुई, उनको हम प्रोटेक्ट भी नहीं करेंगे, उनको हम बास्टर्ड्स बोलेंगे. ठीक है, वो इलेजिटिमेट के इलेजिटिमेट ही रह गए. तो अगर लेजिटिमेट या डीम्ड लेजिटिमेट है तो यू कैन नॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड. बट अदरवाइज, क्योंकि अदर जो था उसको तो हमने प्रोटेक्ट ही नहीं किया, कभी आपका बच्चा माना ही नहीं, उसको तो हमने बास्टर्ड बोल दिया, तो उस केस में हो सकता है. ठीक है, तो अब पॉइंट समझ आ गया, इज इट क्लियर नाउ. Is it clear now? आगे चलूं? You can write in the chat box. Why they can not be adopted? देखिए मैं इनके adoption की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं कि एक child के रहते हुए ये दूसरा child adopt कर सकते हैं नहीं. For example, इनका कोई legitimate son था तो ये दूसरा सन नहीं अडॉप्ट कर सकते, या फिर इनका कोई डीम्ड लेजिटिमेट सन भी था ना, तब भी वो सन अडॉप्ट नहीं कर सकते. ठीक है, पर अगर कोई इलेजिटिमेट है, ना तो उसके पेरेंट्स की सेरेमनीज हुई, वो वॉइड में भी आते हैं, तो उनके चाइल्ड को तो हमने बास्टर्ड्स का है तो उनको हमने ना तो उनकी शादी मानी है, ना तो उनके बच्चे को कोई प्रोटेक्शन दिया है ना, तो इस केस में जो है अडॉप्शन हो सकती है. इस बच्चे की अडॉप्शन की बात नहीं कर रही मैं, अदर चाइल्ड की अडॉप्शन की बात कर रही. ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, आ गया. ठीक है, और ये वाला जो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट, ये भी समझ आ गया कि अगर ये कोई पर्सन है, इसका खुद का सन, इसका पोता या परपोता, तीनों में से अगर कोई भी अलाइव है, ठीक है, तो ये अडॉप्शन ऑफ अ सन नहीं कर सकता. ठीक है, इतनी सी बात क्लियर. ओके, आगे चलती हूँ. देखिए सिर्फ क्या मैरिड कपल जो होते हैं, सिर्फ जो मैरिड कपल होते हैं, क्या वो ही चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, या फिर जो अनमैरिड है वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बताइए. ठीक है, तो कौन कौन अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर कोई मैरिड है तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई अनमैरिड है तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई विडो या विडोअर है तो वो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, राइट. ओके, अभी मैं सेक्शंस की बात नहीं करी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है हर्षना, आगे मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 11 क्या कहता है. ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली, अभी मैं जा ही नहीं रही हूँ उस पे. अगर आप ये सारी चीजें समझ जाओ ना, तब जब मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ाऊंगी तो आपको सारी चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी. ठीक है, अभी हमने देखा कि कब आप अडॉप्ट कर सकते हो, अब हम देख रहे हैं कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है. ठीक है, तो मैरिड अगर मेल है तो भी वो अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर फीमेल है तो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैरिड है, एक कपल है, स्पाउसेस है, तो अगर ये चाइल्ड अडॉप्ट कर रहे हैं तो इनको एक दूसरे की कंसेंट लेनी पड़ेगी. ठीक है, एक दूसरे की कंसेंट लेनी पड़ेगी. लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है आपको अपने स्पाउस की भी, राइट. क्योंकि देखिए ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, अगर आपका स्पाउस सीजेस टू बी हिंदू हो जाता है तब वो हिंदू ही नहीं है, इस एक्ट के अंदर कवर ही नहीं हो रहा, तो
तो आपको अडॉप्शन करनी है आप कर लो, उसका कंसेंट की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उसने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, उसने सारा मोह माया त्याग दी है, दुनिया संसार छोड़ के वो चला गया है, अब बच्चा और वाइफ सबको वो छोड़ के चला गया है, तो तब भी उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर वो अनसाउंड माइंड के हैं तब भी जो है आपको कंसेंट की जरूरत नहीं है। देखिए, अब अनसाउंड माइंड जो है मेडिकली नहीं बल्कि कोर्ट ने उनको डिक्लेयर किया हो अनसाउंड माइंड, तभी उनकी कंसेंट यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, अदरवाइज होगी। ठीक है, तो अनसाउंड माइंड के लिए ये जरूरी है कि कोर्ट ने उन्हें डिक्लेयर किया ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो दोनों में यही कंडीशंस है कि मदर भी अडॉप्ट कर सकती है फादर के कंसेंट के बिना। अगर ये तीन कंडीशंस है तो कौन कौन सी तीन कंडीशंस, कि भाई वो हिंदू ही नहीं रहे हैं, या फिर उन्होंने वर्ल्ड जो है वही छोड़ दिया है, या फिर वो अनसाउंड माइंड के हैं डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। और यही बात फादर पे अप्लाई होती है कि फादर भी अडॉप्ट कर सकते हैं मदर की कंसेंट के बिना, तो वाइस वर्सा। पर ये तीन कंडीशंस जो है ये सिमिलर ही रहती है। इतनी सी बात क्लियर। अब देखिए, स्पाउसेस एक एक थे तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर क्या था कि हिंदू मैरिज एक्ट से पहले क्या हो रहा था, पॉलीगैमी हो रही थी, है ना, पॉलीगैमी हो रही थी कि एक ही ये जो हस्बैंड है, एक ही हस्बैंड की फॉर एग्जांपल तीन वाइफ है, तो तीनों की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तीनों वाइफ की आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट से पहले हो रही थी पॉलीगैमी, और हमने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट से पहले जो भी शादी बेशक पॉलीगैमी में हुई हो वो सब वैलिड है, है ना, वो सब वैलिड है, उनको हमने सेव कर दिया। तो अगर किसी हस्बैंड की वाइफ 1, 2, 3 है, तो इस केस में वो कौन सी वाली वाइफ की, कौन से स्पाउस की कंसेंट लेगा, तो उसे तीनों ही वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी। और ये जो तीन कंडीशंस है ये तो है ही, जिसमें जरूरत नहीं होती कंसेंट की। इतनी सी बात क्लियर है। क्लियर, अब देखिए मैरिड में ही हम समझें, अगर कोई हस्बैंड है, इन्होंने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, देखिए इन इस मेल ने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, ठीक है, अगर इनकी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो है मोनोगैमी ऑब्वियसली हुई है, तो इनकी वाइफ जो है उस चाइल्ड की अडॉप्टिव मदर हो जाएंगी। ठीक है, ये अडॉप्टेड फादर और ये अडॉप्टिव मदर। ठीक है, अब लेकिन हस्बैंड है, कोई हस्बैंड की तीन वाइफ अगर है और इन हस्बैंड ने किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो ये अडॉप्टिव फादर तो यही हो गए, लेकिन मदर कौन सी होंगी, क्या तीनों ही मदर अडॉप्टिव मदर होंगी, क्या कोई एक होगी, या कोई एक होगी, तो कोई बता सकता है मुझे, तो इस सिचुएशन में अडॉप्टिव मदर कौन सी होंगी, बताइए। यस यस, यू ऑल आर राइट, जो सीनियर मोस्ट है वो अडॉप्टिव मदर होंगी। ठीक है, तो अगर किसी जो मेल है उन्होंने चाइल्ड अडॉप्ट किया है, अगर उनकी मोर देन वन वाइफ है, तो उनकी जो सीनियर मोस्ट वाइफ है वो अडॉप्टिव मदर होगी, और जो बाकी दो होंगी उनका क्या स्टेटस होगा, उनका क्या रिलेशनशिप होगा उस चाइल्ड से, ये बताइए। यस करेक्ट, स्टेप मदर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब ये मैरिड है। ठीक है, ये चीजें समझ आई, जब ये मैरिड है। ठीक है, अगर कोई किसी को डाउट है तो दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स इटसेल्फ। राइट, अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर कोई अनमैरिड है, अगर कोई अनमैरिड है फॉर से मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, तो अगर ये अडॉप्ट
मेल अडॉप्ट करते हैं किसी चाइल्ड को या फीमेल अडॉप्ट करती हैं किसी चाइल्ड को, तो ये तो हो गई अडॉप्टिव मदर, और अगर मेल ने किया है तो अडॉप्टिव फादर। लेकिन लेकिन अगर ये फ्यूचर में शादी कर लेते हैं, अगर ये फ्यूचर में शादी कर लेते हैं अडॉप्शन के बाद, तो इस वाइफ और इस चाइल्ड का रिलेशनशिप क्या होगा? ये वाइफ कौन होंगी उसकी? कैन एनीबडी टेल? ये वाइफ क्या होंगी उसकी? यस, या अच्छा, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था कि हस्बैंड जो है ठीक है, इसमें मैंने आपको कहा था कि सीनियर मोस्ट जो वाइफ होगी, सीनियर मोस्ट जो वाइफ होगी यानी कि जो वाइफ वन होगी वो होगी इनकी अडॉप्टिव मदर। वाइफ वन जो होगी वो होगी अडॉप्टिव मदर, और जो बाद में जो वाइफ टू वाइफ थ्री वाइफ फोर जो भी है वो होगी स्टेप मदर। इतनी सी बात क्लियर है? वाइफ वन सीनियर मोस्ट, ठीक है, वाइफ वन, और बाकी जो जितनी भी होंगी, दो दूसरी तीसरी चौथी कोई भी होगी, वो स्टेप मदर्स होंगी सारी, ठीक है। अब आगे चले तो देखिए, अनमैरिड मेल और फीमेल, ठीक है, अनमैरिड मेल और फीमेल, तो अगर मेल अडॉप्ट करता है और अडॉप्शन के बाद ही शादी कर लेते हैं, तो जो इनकी वाइफ है वो होगी स्टेप मदर, एंड वाइस वर्सा यहां भी होगा कि अगर फीमेल ने अडॉप्ट किया है और अडॉप्ट करने के बाद ही शादी कर लेती है, तो इनके हस्बैंड और इस अडॉप्टेड चाइल्ड का क्या रिलेशन होगा, बताइए। स्टेप फादर का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं विडो और विडोअर पे। किसी विडो या विडोअर इन्होंने चाइल्ड को अडॉप्ट किया है या इन्होंने चाइल्ड को अडॉप्ट किया है, तो ये तो हो गए अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर। लेकिन इस चाइल्ड का फादर कौन होंगे? क्या जिनकी डेथ हुई, क्या इस विडो के जो हस्बैंड थे जिनकी डेथ हो गई है उनको माना जाएगा इस अडॉप्टिव चाइल्ड के फादर? तो इससे रिलेटेड एक केस है सुखविंदर कौर, आगे बताऊंगी ऑल्दो मैं आपको पूरा, बट अभी इंट्रोडक्शन है तो थोड़ा सा बता रही हूँ कि सुखविंदर कौर का केस मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, जिसके अंदर पंजाब हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने डिक्लेयर किया था। फैक्ट्स भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी जब टॉपिक कराऊंगी, बट यहाँ पे क्योंकि ये मैं आपको समझा रही हूँ तो बता देती हूँ। देखिए, सुखविंदर कौर एक केस आया था, इसके अंदर बात हुई थी कि विडो का जो अडॉप्टिव चाइल्ड है उनका कोई लिंक होगा क्या, कि जो उनके डिजीज, जो उनके हस्बैंड है जिनकी डेथ हो गई है, क्या वो कंसीडर किए जाएंगे उनके फादर? तो इसका आंसर होगा यस। तो यही चीज कोर्ट ने डिक्लेयर की थी, क्या फैक्ट्स हैं, क्या डिसीजन है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, इन डिटेल। ओके, अभी मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल नहीं बता रही, एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आए जब मैं बेयर एक्ट के प्रोविजन कराऊ, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अगर मेल किसी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर मेल किसी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं या फीमेल किसी सन को अडॉप्ट करना चाहती है, तो क्या इनमें क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? there must be 21 years age difference.
ठीक है, तो देखिए अगर सेम सेक्स के आप चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जहां पे अगर यहाँ पे कोई मेल है और ये डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ताकि कोई भी कोई मिसयूज ना कर पाए, तो एज का गैप यहाँ पे रखा है, तो 21 इयर्स का जो है गैप होना चाहिए इन बोथ द केसेस, अगर फीमेल भी किसी सन को अडॉप्ट करी है तब भी, अगर मेल किसी डॉटर को अडॉप्ट करे तब, ठीक है। देखिए अब अडॉप्शन के बारे में हमने कब सारी चीजें देखी कि वो कब अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो उनका खुद का बेटा ना हो तब वो बेटा अडॉप्ट कर सकते हैं, या तो खुद की उनकी बेटी ना हो तो बेटी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन कर सकता है वो भी हमने देखा, मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोअर, तो ये सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। अगर वो अडॉप्ट करेंगे अपोजिट सेक्स के जो चाइल्ड है उनको, तो 21 इयर्स गैप होना चाहिए, राइट। लेकिन लेकिन जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो खुद भी ठीक है या नहीं है, तो ये भी तो चेक करना जरूरी है ना, तो ये भी तो कुछ कंडीशंस होंगी कि जो मेल अडॉप्ट कर रहा है वो ओके है या नहीं है, वो कैपेबल है या नहीं है, है ना, तो ये भी चेक करना होगा। तो इसके लिए कोई कंडीशंस है क्या, कैपेसिटी से रिलेटेड क्या कंडीशंस होती है कोई बता सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया मेल और फीमेल दोनों ही अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसको देखते हैं कि कैपेसिटी होनी चाहिए हिंदू मेल में या हिंदू फीमेल में बिफोर अडॉप्शन। हिंदू मेल एंड हिंदू फीमेल, साउंड माइंड एंड यस यामिनी यू आर राइट सेक्शंस। साउंड माइंड एंड मेजर, ठीक है। अगर हिंदू मेल की बात करें हम तो दो ही कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहली बात तो इनको मेजर होना चाहिए और ये साउंड माइंड के होने चाहिए, ठीक है। और अगर ये मैरिड है तो इन्हें अपनी कंसेंट लेनी पड़ेगी अपनी वाइफ की, ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। बट ये दो ही कंडीशंस है। हिंदू फीमेल की बात करें, सबसे पहली बात तो ये हिंदू फीमेल है, दूसरी बात की मेजर होनी चाहिए और ये भी साउंड माइंड की, और जो कंसेंट है अगर ये मैरिड है तो जो कंसेंट वाला पॉइंट है वाइस वर्सा, जो मैंने आपको अभी अर्लियर समझाया कि इन्हें अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी होगी, और कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो कंसेंट है वो इररिलेवेंट हो जाती है, ठीक है, जिसमें कंसेंट नेसेसरी नहीं होती, बिना कंसेंट के भी आप कर सकते, ठीक है। अब देखिए हमने कंसेंट कौन कौन सी तीन कंडीशंस थी जिसमें कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसको बताइए, इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। तो तीन कंडीशंस थी कुछ दोनों में ही, कि वाइफ से कब नहीं लेनी होगी, हस्बैंड से कब नहीं लेनी होगी, तो ये क्या कंडीशंस थी कोई बता सकता है? मैम इफ द वाइफ हैज रिनाउंस द वर्ल्ड और सीज टू बी हिंदू और हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड एंड कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट, ओके, सीज टू बी हिंदू, renounce the world or unsound mind, declared by the court, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देती हूँ, ये तीन ही conditions है ना, अगर कभी ऐसा हो इन तीनों कंडीशंस के सिवा कोई और ऐसी कंडीशन है, या कभी ऐसा हुआ है कि इनको छोड़ के किसी और कंडीशन में कोर्ट ने बोला हो कि नेसेसरी नहीं है कंसेंट, ऐसा है? फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी, ये है एक कपल, ठीक है, ये है एक कपल, अब ये जो ए है इसके हस्बैंड है और ये वाइफ है, इनका सन है, ठीक है, इनका सन है। अब ये जो ए जो है ना, बड़ा निकम्मा है, ये अपना ख्याल व्याल नहीं रखता, ना सन का ना वाइफ का,
ठीक है, कोई मेंटेन नहीं करता और छोड़ छाड़ के सब कुछ चला गया है, ठीक है चला गया है, कोई मतलब निकम्मा सा है, ये ध्यान व्यान नहीं रखता उसका। अब क्या होता है 7 ईयर्स बाद इस ग्राउंड पे कि भाई ए सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया और ये ध्यान व्यान भी नहीं रखता था, ठीक है। तो इस ग्राउंड पे ना बी ने डिवोर्स ले लिया, बी ने डिवोर्स ले लिया, और डिवोर्स के बाद बी ने ना इससे सी से ना शादी करा ली, ठीक है, सी से शादी करा ली, और ये सी इंटरेस्टेड था इसके सन को अडॉप्ट करने के लिए, इसका अडॉप्टिव फादर ताकि ये बन गया, है ना। तो अब देखो, अब मैंने कहा था कि कंसेंट जो है वो जरूरी होती है, ऑल दो सन का फादर तो यही था ना। अब ये जो सब कुछ हुआ ना, तो फिर ये जो ए जो हस्बैंड था ना, ये वापिस आ गया और उसने कहा कि ये जो अडॉप्शन है ये तो इनवैलिड है, क्योंकि मेरी कंसेंट तो थी ही नहीं, क्योंकि मेरी कंसेंट तो थी ही नहीं। तो बताओ, अब एक चीज बताओ, ये अडॉप्शन जो है वैलिड होगी या इनवैलिड होगी? ग्राउंड्स तो सिर्फ ये तीन थे। हाँ टेक योर टाइम, इफ यू वांट कि मैं रिपीट करूं फैक्ट्स को तो मैं कर दूंगी, दोबारा समझाती हूँ मैं आपको क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। बताइए। मैम, ये जो सन है, ही इज द बायोलॉजिकल सन ऑफ ए एंड बी, या तो मैम इनवैलिड है। तो देखिए, अब लॉ तो, लॉ में हमें तो यही तीन ग्राउंड्स दिए हैं, यही कंडीशन दिए हैं, पर कई बार क्या होता है ना, केस लॉज होते हैं। केस लॉ के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो चाइल्ड का वेलफेयर होता है वो पैरामाउंट कंडीशन होता है ना, वो प्रायोरिटी होती है कोर्ट की, है ना। चाइल्ड का वेलफेयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्ट, चाइल्ड का वेलफेयर पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है। तो यही हुआ, यही जो सेम फैक्ट्स थे ना, ये केस के मैंने आपको बताया, श्वेता गुप्ता का एक केस था 2017 का, आगे भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, जब मैं आपको टॉपिक कराऊंगी, बट अभी क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि जो वेलफेयर है चाइल्ड का, तो ये वैलिड है। ये पहली बात तो ये कि ये वैलिड थी, अडॉप्शन कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड अडॉप्शन है, क्यों? क्योंकि ए जो है वैसे भी उस बच्चे का ध्यान नहीं रखता था, छोड़ छाड़ के चला गया, 7 साल हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया, है ना, बच्चे का ध्यान भी नहीं रखता, है ना, उसके साथ मार पिटाई, ध्यान रखता नहीं है, तो इस ग्राउंड पे ही तो डिवोर्स भी लिया था उसकी वाइफ ने, ध्यान नहीं रखता था। अब वो जब ध्यान ही नहीं रखता था इस बच्चे का, छोड़ छाड़ के बीच बीच में चला जाता था, तो कोर्ट ने कहा इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि जो अडॉप्शन है ये बिल्कुल वैलिड है, अब जो ए की जो कंसेंट है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चाइल्ड ए और बी का था, ए उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था, घर छोड़ छाड़ के चला गया था, तो इस ग्राउंड पे बी ने जो है डिवोर्स ले लिया, सी को जो है उसने, सी जो है इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता था, बी ने वाइफ ने अडॉप्शन के लिए दे दिया, अडॉप्शन हो गया। जब ये अडॉप्शन हुआ तो उस टाइम पे ही ए जो है अचानक से प्रकट हो गए, इन्होंने बोला कि ये तो इनवैलिड अडॉप्शन है, अडॉप्शन हो नहीं सकता, मेरी कंसेंट नहीं है। तो मामला जब कोर्ट में गया, श्वेता गुप्ता 2017 का केस है ये, ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई अब ए जो है तुम्हारे कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, ये अडॉप्शन हो रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, वैसे भी तुम ध्यान नहीं रखते थे, इग्नोरेंट थे तुम ना, तुम ध्यान रखते थे, छोड़ छाड़ के चले जाते थे, तो ये बिल्कुल वैलिड अडॉप्शन, ठीक है, समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूं, जैसे ये ए और बी है, अब क्राइम पेट्रोल वाला जो एपिसोड है ना, कोई वो सोचिए,
इनका कोई चाइल्ड है एस वन, ठीक है, अब और ये बी सॉरी सी और डी है, ये है सी और डी, ये कपल है, ठीक है, अब इनका कोई भी चाइल्ड नहीं है, है ना, अब ये चाहते हैं कि हमारा सन हो, ठीक है, जो भी इनका स्पिरिचुअल बेनिफिट है या कुछ भी, ये चाहते हैं इनका सन हो, तो ये ए और बी को ना ऑफर करते हैं कि हम ना तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे, हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे, ये बच्चा हमें दे दो अडॉप्शन के लिए। तो यही होता है, ये ले लेते हैं 20 लाख रुपए, बच्चा इनको दे देते हैं अडॉप्शन, तो बताओ क्या ये वैलिड अडॉप्शन है, क्या ये वैलिड अडॉप्शन है? ठीक है, तो नो, हर्षना इज राइट कि ये वैलिड अडॉप्शन नहीं है, इट इज एन इनवैलिड अडॉप्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन पे किया गया है, पे किया है, प्राइस पे किया है, चाइल्ड को एक तरीके से खरीदा गया, इट इज एन ऑफेंस, ये तो इनवैलिड अडॉप्शन है, कोई वैलिड अडॉप्शन है नहीं, क्योंकि इसमें कंसिडरेशन पे किया गया है, ठीक है, कंसिडरेशन जहां पे किया जाए वो हमेशा इनवैलिड अडॉप्शन होता है, राइट? देखिए अगर इन थोड़े से अगर मैं फैक्ट्स चेंज कर दूं, थोड़े से अगर मैं फैक्ट्स चेंज कर दूं, जैसे कि ए और बी हैं और इनका कोई सन है, राइट, और सी और डी फिर से एस वन को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ए और बी कहते हैं हम नहीं देंगे, तुम क्या करो पहले 20 लाख रुपए ना हमारे बच्चे के नाम पे जमा कराओ, इसकी ना एफडी वेफडी कराओ, या कोई जो तुम्हारी लैंड वैंड है वो इसके नाम कराओ, ठीक है, वो करा देते हैं, और फिर इस कंडीशन पे जब इस चीज को ये करा देते हैं तो ये अपना चाइल्ड दे देते हैं अडॉप्शन में, तो क्या अब ये वैलिड अडॉप्शन है? क्या बात है, बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करो भाई, माइट बी नी आमिनी, इट इज अ वैलिड अडॉप्शन, ठीक है, ये वैलिड अडॉप्शन है, तो इसको हमेशा याद रख। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ ले रहे हो बच्चे के नाम पर, ये लोग ले रहे हैं बच्चे के नाम पे कोई कंसीडरेशन, तो ये तो ऑफेंस है, आप तो बेच रहे हो बेसिकली अपने बच्चे को, तो ये तो इनवैलिड है, लेकिन क्योंकि बच्चे की सिक्योरिटी के लिए बच्चे के नाम पे करा रहे हैं ना, क्योंकि ये माँ बाप कंसर्न है कि आगे जाके पता नहीं है ध्यान से रखे ना रखे, ये बच्चे तो ले रहे हैं, तो ये कह रहे हैं बच्चे के नाम पे, हमने कुछ नहीं लिया ना, इन दोनों ने कुछ नहीं लिया, बच्चे की सिक्योरिटी के लिए बच्चे के नाम पर अगर इन्होंने दिया है तो वो वैलिड हो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद हो, ठीक है, क्लियर, आगे चले। ओके अच्छा, वैलिड अडॉप्शन होने के लिए और भी कुछ चीजें हैं क्या, कोई सेरेमनी है जो करानी पड़ती है? तो वैलिड अडॉप्शन के लिए कुछ सेरेमनी होती है क्या जो असेंशियल होती है क्या? ओ यस यू आर राइट, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, यानी कि इस ए और बी ने अपना बच्चा दिया, गिव किया सी और डी को, सी और डी ने इनका जो सन था उसकी टेकिंग करी, उस बच्चे को पकड़ा, एंड देन यही इनफ है, उन्होंने अपना बच्चा दिया, लिया, ये एक वैलिड अडॉप्शन है, अदरवाइज कोई भी सेरेमनी नेसेसरी नहीं है, ये लिखा गया है कि नेसेसरी नहीं है, इतना ही सफिशियंट है, इतना हो गया, होते ही हमने मान लिया अडॉप्शन जो है वैलिड है, इतना सफिशियंट है, सेरेमनीज जो है वो नेसेसरी नहीं है, अगर आप सेरेमनीज करते हो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अडॉप्शन है वो इनवैलिड हो जाए, ठीक है, आप कर सकते हो आपकी इच्छा है करनी है तो, लेकिन लॉ के हिसाब से गिव एंड टेक इनफ है, ये लिख रहे हैं, लिखा हुआ है ऑलरेडी कि दाता होमा जो है वो जरूरी नहीं है, अब दाता होमा क्या होता है, व्हाट इज दाता होमा, कोई सेरेमनी होती है क्या ऐसी? यस, ठीक है, जो हवन वगैरह किया जाता है ना, अग्नि जलाकर हवन वगैरह किया जाता है, उस सब की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप करना चाहते हो दैट इज अप टू यू, लेकिन गिव एंड टेक किया उतना हमने मान लिया कि सफिशिएंट है, ठीक है, उतना हमने मान लिया सफिशिएंट है। ओके,
आगे चले तो ऑलमोस्ट जो है मैंने आपको बेसिक्स जो है कवर करा दिए हैं, बेसिक्स जो है मैंने आपको कवर करा दिए, आई एम जस्ट सीइंग कि कुछ मिस हो गया हो बेसिक समझाने का. अच्छा, अगर हम अडॉप्शन की बात करें, अगर हम अडॉप्शन की बात करें हैं, तो हमने जो लोग अडॉप्ट कर रहे थे उनकी तो बात कर ली कि वो कैपेसिटी में होने चाहिए, यानी कि जो मदर अगर अडॉप्ट कर रही है या फिर कोई फादर अगर अडॉप्ट कर रहे हैं तो इनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए. कैपेसिटी यानी कि 7 और 8 के अंदर जो हमने बात किया, मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए, अपने स्पाउसेस से इन्होंने कंसेंट ली हो अगर मैरिड है तो, ठीक है. लेकिन जो चाइल्ड को अडॉप्ट करें, चाइल्ड को अडॉप्ट करें, वो उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अडॉप्शन में अडॉप्ट किया जा सके, ठीक है. तो ऐसे कौन सी चीजें हैं, क्या क्या देखा जाता है कि वो चाइल्ड क्या क्या हो. सन भी हो सकता है, वो डॉटर भी हो सकती है, बट वो क्या क्या हो, क्या क्या कंडीशंस रहती है, क्या क्या कंडीशंस रहती है. सेक्शन 10(9) के अंदर तो ये बता रखा है ना कौन अडॉप्शन में दे सकता है अपने चाइल्ड को, ये तो हमने देखा कौन ले सकता है. अब कौन से चाइल्ड का अडॉप्शन किया जा सकता है वो देख रहे हैं. सेक्शन 10 है ये, यामिनी, ठीक है. हाँ, आपने करेक्ट कर दिया. अब चलिए, अब कंडीशंस बताइए. एक और कंडीशन हर्षना, एक और कंडीशन होती है आपने मिस किया है. यस, चारों कंडीशन आपने सही बताई है, यू आर करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है. चलिए, अनम्यूट करके बोल दीजिए एक एक करके. सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये चाइल्ड क्या होना चाहिए. बोलिए कंडीशंस, बोलिए हर्षना अनम्यूट करके. मैम, चाइल्ड शुड बी अ हिंदू, ठीक है, ही और शी दोनों को अडॉप्ट कर सकते हैं और वो हिंदू होना चाहिए, ठीक है. दूसरी बात, he or she not already been adopted, ठीक है. ठीक है, थर्ड, he or she not already not being married, ठीक है. ये चार कंडीशंस है, राइट, ये चार कंडीशंस है. अब देखिए, इसमें से जो एक कंडीशन है वो थोड़ी डिस्प्यूटेड है. कौन सी कंडीशन है, इससे बड़ा बच्चा भी कोई अगर है तो वो अडॉप्ट किया जा सकता है, बताइए. मैम, नॉट इन हिंदू, हिंदू माइनॉरिटी इन मेंटेनेंस, बट इन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. और कुछ और जस्टिफिकेशन है क्या इसकी. यस यामिनी, यू आर करेक्ट, इफ द कस्टम अलाउज, ठीक है. यू कैन म्यूट योरसेल्फ अर्चना, आपने यू आर राइट, चारों कंडीशंस आपने सही बताई है, ठीक है. अगर कस्टम्स अलाउ करें, अब कस्टम्स अलाउ करें का मतलब ये नहीं है कि आप अडॉप्शन कर रहे हैं तो आप सिंपली बोल दें कि हमारे कस्टम है. नो, यू हैव टू प्रूव योर कस्टम. आपको प्रूव करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट कि काफी लॉन्ग टाइम से हमारी कम्युनिटी के अंदर 15 साल से ऊपर के जो चाइल्ड है उनको अडॉप्ट किया जा रहा है और ये हमारा कस्टम है. ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में, सिंपल आपके जाके बोल देने से नहीं होगा. यू हैव टू प्रूफ इट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, ठीक है. दूसरी बात, अगर कोई अनमैरिड है तो उसको तो आप अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन कोई मैरिड है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, उसको अडॉप्ट किया जा सकता है. बताइए. यस, द आंसर इज सेम. अगर कस्टम्स अलाउ करे तो और अप्रूव कर दो कि आपकी कम्युनिटी में यही हो रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से, तो जो मैरिड है उनको भी अडॉप्ट किया जा सकता है, राइट. अब देखिए, कौन अडॉप्शन में ले सकता है, कौन सा चाइल्ड अडॉप्शन में जा सकता है, पर गिविंग जो करते हैं, जैसे ये ए और बी थे और ये सी और डी हैं,
और ये इनका चाइल्ड है. अब हमने इनके बारे में तो देख लिया कि इनकी कैपेसिटी ये मेजर होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, एक दूसरे की कंसेंट हो. S1 के बारे में भी देख लिया हमने कि भाई ये हिंदू होना चाहिए, ऑलरेडी अडॉप्ट ना हुआ हुआ हो, और बिलो 15 इयर्स इसकी एज हो, अनमैरिड हो, राइट. अब इस ए और बी जो गिविंग कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी के बारे में भी तो जान लेना हम कि ये दे सकते हैं बच्चे को अडॉप्शन में या नहीं दे सकते. तो ये कौन है? मदर एंड फादर है, ठीक है. पर इनकी जगह ही अगर ये बच्चा किसी अपने गार्डियन के साथ रह रहा होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ए और बी की डेथ हो गई और इसको टेस्टेमेंट्री या डी जे और जो है गार्डियन अपॉइंट हुआ, हमने पढ़ा था ना डी जे और गार्डियन कोर्ट अपॉइंट कर देता है ना, और या तो ये विल में लिख के गए हो कि एक्स इसको संभालेगा, तो या तो ये अपने गार्डियन के साथ रहता हो, है ना, तो दे कौन सकता है इस बच्चे को अडॉप्शन में? प्लीज म्यूट योर सेल्फ, किसके पीछे से आवाज आ रही है. तो दे कौन सकता है अपने बच्चे को अडॉप्शन में? उनकी कैपेसिटी भी जरूरी है, ठीक है. ये तो है नहीं कि हर कोई दे दे, जैसे उस बच्चे के रिश्तेदार हैं वो उस बच्चे को उठाकर अडॉप्शन में दे दे. नो, कुछ ही सिलेक्टेड लोग हैं जो दे सकते हैं बच्चे को अडॉप्शन में, और उनकी भी क्या कैपेसिटी है. तो ये सारी की सारी चीजें सेक्शन नंबर 9 में लिखी गई है, बट अभी मैं आपको जनरल वे में बताऊंगी सारी चीजें, है ना. तो डिस्कस करते हैं कि जो गिविंग करते हैं उनकी क्या कैपेसिटी होती है, या कौन गिविंग कर सकता है चाइल्ड, ठीक है. तो चलिए बताइए, पर्संस केपेबल. Of giving for adoption. तो कौन कौन जो लोग होते हैं उस चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकते हैं बताइए. फादर, मदर, गार्डियन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस. यामिनी, यस यू आर करेक्ट. तो जो बच्चे के फादर होते हैं, मदर होते हैं, या फिर गार्डियन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया, तो ये जो तीन लोग हैं ये उस चाइल्ड के को अडॉप्शन में दे सकते हैं, ठीक है. चलिए, अब ये तो उसके मदर फादर है, ये तो दे ही सकते हैं उसको अडॉप्शन में, पर इनके लिए थोड़ी कंडीशंस अलग होती है, ठीक है. अगर हम सेक्शन 9 की बात करें तो उसमें ये सारी चीजें लिखी गई, ठीक है. अभी मैं आपको बेरा क्लांगुन से नहीं बता रही हूँ, बट जनरल बता रही हूँ. तो और कुछ भी होता है बताइए. देखिए, मदर फादर अगर दोनों अलाइव हैं, तो अगर दोनों अलाइव हैं तो दोनों को एक दूसरे की कंसेंट की जरूरत है गिविंग के लिए, है ना. जैसे टेकिंग वाले में मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई मैरिड मेल या मैरिड फीमेल अडॉप्ट करना चाहते हैं किसी बच्चे को, तो उन्हें अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की कंसेंट लेनी पड़ेगी. इसी तरीके से जो कपल अपने बच्चे को दे रहा है अडॉप्शन में, तो कपल में जो हस्बैंड है और जो वाइफ है, दोनों को अगर बच्चे को अडॉप्शन में देना है, तो दोनों को एक दूसरे की कंसेंट लेनी पड़ेगी बिफोर गिविंग द चाइल्ड इन टू द अडॉप्शन, ठीक है. अगर ये अलाइव है, अगर डेथ हो चुकी है तो कंसेंट तो कैसे लेगी. तो अगर अलाइव है और मदर फादर दोनों कपल दोनों अलाइव है, तो उन्हें एक दूसरे की कंसेंट लेनी पड़ेगी बिफोर गिविंग द चाइल्ड इन टू द अडॉप्शन. इतनी सी बात क्लियर है. देखिए, अब इसमें भी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो टेकिंग कर रहे हैं चाइल्ड की, उसमें क्या होता है, उसमें मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी कि तीन कंडीशन में उनको अपने हस्बैंड या वाइफ की जो है कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही गिविंग वाले कपल के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं. पहले तो कहा गया अगर वो अलाइव है तो कंसेंट लेनी पड़ेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं. अगर ये जो केसेस हैं, अगर इन केसेस में फॉल होता है, तो आपको कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो कौन से केसेस होते हैं बताइए. बोल सकते हैं आप अनम्यूट करके या चैट में लिख दीजिए आंसर्स अपने.
same condition if the person has renounced, the other spouse has renounced the world or has ceased to be a Hindu or has been declared as unsound mind by the court. Or koi? Ma'am, fourth condition can be that Shweta Gupta case. अगर child abandoned है, उसके parents का ही नहीं पता, जैसे आपने देखा होगा कई बार कि बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं, है ना? उसके parents का ही नहीं पता होता, है ना? Ma'am, then the authority who is responsible for such child like the state, it will be the guardian for that purpose. हाँ, वो guardian तो होगा ही obviously. तो उसके पेरेंट्स तो है ही नहीं ना, तो उसमें पेरेंट्स की कंसेंट तो होगी नहीं. तो पहला तो जो है वो यही है कि डेथ हो जाती है अगर पेरेंट्स की, तो तब पेरेंट्स की कंसेंट जरूरत क्या होगी, अगर जरूरत होगी भी तो है ही नहीं देने के लिए, है ना? तो अगर डेथ हो जाती है या फिर पेरेंट्स ने रिनाउंस कर लिया है वर्ल्ड, दोनों पेरेंट्स या तो छोड़ के चले गए हैं या फिर वाइस वर्सा इनके कपल भी छोड़ के चले गए हैं कोई एक भी, तब भी, है ना? अगर दोनों ही छोड़ के चले गए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो तब गार्डियन का रोल आ जाता है. अभी सिर्फ मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ, आगे मैं आपको कंडीशन लिखने के बाद एक बार गार्डियन के बारे में भी बताऊंगी, ठीक है? ये बात करें कब हमें पेरेंट्स की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? तो डेथ हो जाती है, उन्होंने जो रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड, या अनसाउंड माइंड के पेरेंट्स हैं तो बट अनसाउंड माइंड के हैं. चौथी बात, बच्चा अबॉन्डेंड है या जो माता पिता उसके पेरेंट्स जो हैं अननोन होते हैं. इन सर्कमस्टांसेस में ना पेरेंट्स की कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? अब आ जाता है गार्डियन का रोल. गार्डियन अगर डेथ हो गई फोर से उनकी, तो विल में लिख के जाते हैं, है ना? अदरवाइज जो है अपॉइंटेड बाय द कोर्ट भी हो सकते हैं, है ना? अपॉइंटेड बाय द कोर्ट और रिनाउंस द वर्ल्ड के केस में तो डी फैक्टो भी हो सकते हैं, जो बाद में अपने आप को कोर्ट से डी जोर करा लेते हैं ना. अगर माता पिता संन्यास ले लिया है तो हो सकता है वो अपने रिलेटिव के पास छोड़ के गए हो ना बच्चे को, है ना? तो वो उसके डी फैक्टो गार्डियन है. लेकिन अगर डी फैक्टो गार्डियन ने अपने आप को डिक्लेयर करा लिया है बाय द कोर्ट, डी जोर बन गया है वो, और इन दोनों सर्कमस्टांसेस में भी डी जोर गार्डियन हो सकता है ना? अनसाउंड माइंड के हो गए हैं पेरेंट्स, उनके पता ही नहीं है कौन है उस बच्चे के. अब आ जाता है गार्डियन का, ठीक है? अब माता पिता, क्योंकि ये तो उसके बायोलॉजिकल फादर और मदर है, वो तो दे ही सकते थे अपने बच्चे को अडॉप्शन में. लेकिन अगर कोई गार्डियन है तो ये भी दे सकते हैं, लेकिन लेकिन कंडीशन क्या है, ये खुद से नहीं दे सकते. कैसे दे सकते हैं? विद कोर्ट्स परमिशन, ठीक है? विद द कोर्ट्स परमिशन. अब कोर्ट की परमिशन लेते वक्त कोर्ट किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए परमिशन देंगे? चाइल्ड के वेलफेयर को देखें. चाइल्ड के वेलफेयर को वो कैसे देखें और क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिसको कोर्ट देख के परमिशन देंगे? इसको इरेज कर दूं मैं? देखिए, सबसे पहले तो चाइल्ड के वेलफेयर को देखा जाएगा, ठीक है? उसके बाद बच्चे की जो एज होगी उसको भी कंसीडर किया जाएगा, उस बच्चे की एज क्या है, ठीक है? बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को देखा जाएगा, कितना समझदार है, कितना समझ में आता है उसे, ठीक है? उससे कई बार अगर वो थोड़ा समझदार है और एज वगैरह को देखते हुए विश भी पूछ ली जाती है कि आपको न्यू पेरेंट्स चाहिए या फिर आप अपने गार्डियन के साथ ही रहना चाहते हो, विश पूछ ली जाती है. एंड द मेन पॉइंट इज कंसीबरेशन. कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि कोई गार्डियन है, अब ये गार्डियन है हो तो मदर फादर के केस में भी जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो 20 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे कि भाई ये गार्डियन है, अब इसके पास ये बच्चा था, अब किसी ने बोला कि भाई हमें ये चाइल्ड चाहिए, है ना? चाइल्ड चाहिए हमें, हम तुझसे खरीदते हैं, 20 लाख रुपए तुझे दे रहे हैं और इस बच्चे को हमें दे दे. तो इस बात पे गार्डियन ने बोला कि भाई अब इसके पेरेंट्स आए हैं,
कोर्ट में जाके बोला मेरे को परमिट दे दो, है ना, मिस यूज करने की कोशिश की, है ना, तो अब इस चाइल्ड का तो वेलफेयर होगा ही नहीं, खरीदा है उससे, हो सकता है उससे बेगिंग कराई जाए या किसी पर्पस के लिए खरीदा गया, तो इस बात को देखेगा कोर्ट कि भाई कोई कंसिडरेशन नहीं ली हो, ठीक है, अगर कंसिडरेशन ली है पता चल गया कोर्ट को तो डिनाई करेगा क्योंकि इट इज एन ऑफेंस, ठीक है, तो कंसिडरेशन नहीं लियो, बच्चे के वेलफेयर को देखेगा, बच्चे के एज को कोर्ट देखेगा, बच्चा कितना समझदार है और उसके विश को देखेगा, इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए ही कोर्ट परमिट देगा, ठीक है, कोर्ट परमिट देगा। देखिए अब इसके अंदर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई गिविंग कौन कौन कर सकते हैं, एक तो फादर, एक मदर और एक गार्डियन। अब ये जो फादर मदर है जो गिविंग कर रहे हैं अपने बच्चे को अडॉप्शन में, तो ये कौन से मदर फादर की बात की गई है, कोई बता सकता है? बायोलॉजिकल। क्या अडॉप्टेड मदर फादर इसके अंदर आते हैं? नो। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल फादर और मदर ही गिविंग कर सकते हैं, ठीक है, अडॉप्टेड मदर और फादर को नहीं इंक्लूड किया इसके अंदर फॉर गिविंग, ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है जो इस सेक्शन के अंदर डाली गई है कि एक्सप्लेनेशन में कहा है कि जो मदर फादर की बात की गई है ये जो आपके अडॉप्टिव मदर और फादर है उनकी बात नहीं कर रहा है, तो इससे हमें सीधा सीधा क्या पता चलता है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ कि जो बच्चे की अडॉप्शन है, बच्चे की अडॉप्शन है वो सिर्फ एक ही बार की जा सकती है, और हमने कंडीशंस में भी देखा था कि वो बच्चा ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए, और जब गिविंग में दे रखा है कि अडॉप्टिव फादर और अडॉप्टिव मदर जो है गिविंग नहीं कर सकते, है ना, तो अगर कोई अडॉप्टिव मदर और फादर है यानी कि उस बच्चे को एक ही बार अडॉप्शन में दिया जा सकता है, इनडायरेक्ट मीनिंग इसका यही हो रहा है ना, राइट, इतनी सी बात क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, ओके। ठीक है, सबका ऐसा आ गया, अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ कंडीशंस होती है वैलिड अडॉप्शन की, और भी कुछ अदर कंडीशंस भी हमें बताई गई हैं जो वैलिड अडॉप्शन के लिए नेसेसरी होती हैं। कुछ कंडीशंस को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कोई पर्सन है इसे अडॉप्ट करना है, कोई सन, लेकिन अगर इसका खुद का सन या सन का सन या सन के सन का सन यानी कि बेटा पोता और परपोता तीनों में से अगर कोई भी अलाइव है तो ये सन को अडॉप्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही डॉटर के केस में, यानी कि ये कोई पर्सन है इसकी या तो खुद की डॉटर या तो इसका कोई सन है सन्स डॉटर, तो इन दोनों में से अगर कोई भी अलाइव है तो ये डॉटर भी अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये समझ आया सन और डॉटर वाला सीन, तो सन सन सन्स यानी कि बेटा पोता पर पोता कोई भी अलाइव है तो सन कैन नॉट बी अडॉप्टेड, और इस पर्सन की अगर डॉटर या सन की डॉटर यानी कि पोती या बेटी दोनों में से कोई भी अलाइव है तो ये डॉटर भी अपॉइंट नहीं कर सकता, अपॉइंट कह रही अडॉप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर यही है 21 इयर्स एज गैप होना चाहिए अगर आप अपोजिट सेक्स के चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। तीसरी बात एक प्रैक्टिकल चार्ट बना के मैं आपको बताती हूँ। देखिए ए और बी एक कपल है और सी और डी एक कपल है और ई ऑफ एफ एक कपल है, तो इनका एक चाइल्ड है सन, ठीक है, अब इनका भी कोई चाइल्ड नहीं है, इनका भी कोई चाइल्ड नहीं है, है ना, तो ये दोनों फ्रेंड्स आपस में और ये सोच रहे हैं हम दोनों ना एस वन को अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा भी चाइल्ड यही तुम्हारा भी चाइल्ड यही, तो ऐसा क्या पॉसिबल है, इज इट अ वैलिड अडॉप्शन? नो। तो दो या दो से ज्यादा लोग एक ही चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये भी तो दो लोग हैं आप कहोगे, लेकिन जो ये कपल है उनको एक ही कंसीडर किया जाता है ना, हस्बैंड वाइफ ये तो कपल है, लेकिन बेसिकली जो दो या दो से ज्यादा अगर कोई अनमैरिड है, ये ए कोई अनमैरिड अलग है बी कोई अनमैरिड अलग है, ये दो अगर ले एक चाइल्ड को तो ये भी नहीं हो सकता,
तो ये सी और डी क्योंकि कपल है तो ये एक ही यूनिट माने जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये कंडीशन है, दो या दो से ज्यादा लोग एक ही चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर नेक्स्ट यही है कि भाई गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी जो है वही इनफ होती है, दाता होमा की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। गिविंग एंड टेकिंग जो है ये इनफ है। अब देखिए सारी चीजें हो गई, ए और बी ने अपना बच्चा गिव किया एस वन को, ठीक है, और इसको टेक कर लिया सी और डी। तो ये जो पेरेंट्स थे जो गिविंग कर रहे थे इनकी कैपेसिटी भी देख ली हमने, इस चाइल्ड को जो दे रहे थे इसकी भी कैपेसिटी हमने देख ली कि भाई अनमैरिड होना चाहिए, 15 साल से नीचे होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, है ना। सी और डी की भी कैपेसिटी देख ली हमने, जो टेकिंग में ले रहे हैं भाई मेजर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए और कंसेंट ली हो एक दूसरे की, इन सबकी कैपेसिटी देख ली, ये भी ठीक है कैपेसिटी के हिसाब से, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इनका क्या हो गया, वैलिड अडॉप्शन हो गया। अब इस वैलिड अडॉप्शन का इफेक्ट क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये बच्चे के जो अच्छा आप बताइए वैलिड अडॉप्शन का इफेक्ट क्या होगा, अब ये बच्चा किसका है, अब ये बच्चा किसका है। देखिए जब बच्चा अडॉप्शन में चला जाता है तो माना जाता है कि जो इसके नेचुरल जो पेरेंट्स थे, ठीक है, वो उन पेरेंट्स की जो फैमिली से अब इस बच्चे के सारे टाइज जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं, अब ये इन अडॉप्टिव पेरेंट्स जो है इनकी फैमिली का एक पार्ट है, ठीक है। अब इनके सारे जो है ओल्ड जो है फैमिली से जो भी रिलेशनशिप थे वो इनके टाइज जो है टूट गए हैं विद द नेचुरल फैमिली, अभी अडॉप्टेड फैमिली के हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। ओके देखिए लेकिन अब ये इसका हिस्सा बन चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के, एक तो एस वन था इनका सन और उसके बाद इनकी डॉटर थी। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि पुरानी फैमिली से सारे टाइज टूट चुके हैं, अब ये पार्ट है नई फैमिली की, है ना। तो क्या जब इनके टाइज टूट चुके हैं पुरानी फैमिली के साथ, जब इनके टाइज टूट चुके हैं पुरानी फैमिली के साथ, तो क्या ये अपनी पुरानी फैमिली वाली जो बहन थी, जो इनकी बहन लगती थी, उनसे शादी कर सकते हैं। देखिए तो यही इसका एक्सेप्शन है कि बेशक नेचुरल फैमिली के साथ सारे रिश्ते टूट चुके हैं, अडॉप्टेड फैमिली के साथ आप पार्ट बन चुके हो, लेकिन लेकिन ये एक्सेप्शन है कि भाई अगर जब आप अपनी नेचुरल फैमिली में होते उस टाइम जिस जिस से आप शादी नहीं कर सकते थे, अडॉप्ट होने के बाद भी आप उस पर्सन से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, ये टाइज टूट गए कोई बात नहीं, बट अगर कोई प्रॉपर्टी थी उसमें आपका कोई हिस्सा था, वो प्रॉपर्टी और राइट्स एंड लाइबिलिटीज वो आपकी ही रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइज टूट गए तो वो प्रॉपर्टी में जो आपका इंटरेस्ट था वो भी आपका नहीं है, वो रहेगा। दूसरी बात, इसमें तो जो आपको बिफोर अडॉप्शन जो भी प्रॉपर्टी थी नेचुरल फैमिली के साथ उसमें तो आपका हिस्सा रहेगा, जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी उनकी प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई हिस्सा नहीं आ जाता, ठीक है। इट इज देयर विश, ठीक है, उनका राइट ही रहेगा कि वेदर दे वॉन्ट टू गिव यू सम इंटरेस्ट इन देयर प्रॉपर्टी और नॉट। इन चीजों को अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी, ठीक है, ठीक है। देखिए इनका अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर कोई इसके कॉन्ट्रारी में इनका कोई एग्रीमेंट हुआ था, फॉर से जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि ए और बी कहते हैं कि भाई हमारे चाइल्ड को ले रहे हो तो अपनी प्रॉपर्टी में इसे कोई इंटरेस्ट दो इसकी सिक्योरिटी के लिए, है ना, तभी हम अडॉप्शन में देंगे, तो रूल तो यही है कि नहीं होगा। लेकिन अगर इस रूल के कॉन्ट्रारी में कोई ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट हो रखा है कि भाई बच्चे को इंटरेस्ट दोगे आप प्रॉपर्टी में, हिस्सेदार बनाओगे, ठीक है, तभी हम चाइल्ड देंगे, तो टू द कॉन्ट्रारी अगर कोई एग्रीमेंट हो रखा है तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट, अदरवाइज सारे राइट्स अडॉप्टिव पेरेंट्स के ही हैं अभी भी, ठीक है। ओके, वंस वैलिड अडॉप्शन हो गई उसको कैंसल नहीं किया जा सकता,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा उनका उधर मन नहीं लग रहा तो भाई वो वापिस आ जाता है, अब तुम ही हो मेरे मम्मी पापा, नहीं मेरे को वहां नहीं रहा, ऐसा नहीं है भाई. वंस वैलिड अडॉप्शन हो गई इट कैन नॉट बी कैंसल. ठीक है ओके. उसके बाद मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि जो पेमेंट्स होती हैं, जो पेमेंट्स होती हैं वो रिसीव करना, जो रिसीव कर रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ए और बी रिसीव कर रहे हैं 20 लाख रुपए इस बच्चे के बदले में, या फिर ये सी और डी पे भी कर रहे हैं, तो रिसीव करना और पे करना कंसिडरेशन को बच्चे के बदले में, ये ऑफेंस है और इसके लिए पनिशमेंट भी बताई गई है इसी एक्ट के अंदर, कि अगर किसी ने ऐसा किया तो 6 मंथ्स तक की इम्प्रिजनमेंट, फाइन या बोथ भी हो सकता है. लेकिन इस मामले में प्रोसिक्यूशन करने से पहले आपको जो है गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. अब ये वैलिड अडॉप्शन है कि नहीं, अगर इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वैलिड अडॉप्शन के, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स हैं, अब रजिस्टर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वैलिड बताई गई है, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे ना, जब रजिस्टर डॉक्यूमेंट है तो हमेशा आपने जो जो भी कंडीशंस थी वो फुलफिल की ही होंगी, तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि भाई सारी कंडीशंस फुलफिल हुई होंगी, तभी तो इनके पास रजिस्टर्ड जो है डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है वैलिड है, यानी कि जब डॉक्यूमेंट मिल गया यानी कि उनकी जो भी कंडीशंस थी इन्होंने फुलफिल की होंगी ऑफ द एक्ट. अब देखो इतनी सारी चीजें आपको इस एक्ट के अंदर बता रखी है अडॉप्शन की, आपको इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए अडॉप्शन करना है. अगर आपने इन सारी चीजों को, कोई भी कंडीशन को आपने ब्रीच किया, तो आपका बिल्कुल वॉइड माना जाएगा अडॉप्शन. ठीक है, इसमें वॉइडेबल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, वॉइड का कॉन्सेप्ट है. अगर कोई भी ब्रीच हुई कोई भी कंडीशन, तो आपका अडॉप्शन बिल्कुल वॉइड हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. ओके, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम सेक्शन स्टार्ट करेंगे, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, आगे हम देखेंगे इंटर कंट्री अडॉप्शन भी जैसे की जाती है, कि कई बार फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में चाइल्ड को अडॉप्ट करने, तो वो कैसे चलता है, और बहुत सारे लैंडमार्क केसेस भी देखेंगे. आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई हो सारी की सारी चीजें.